Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about Vardhman Mahavir Medical College Delhi. तो आज हम इसके MS और MD प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. So Vardhman Mahavir Medical College Delhi established in 2001. Public institute है ये, जो affiliated है IPU New Delhi यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से. Accreditation और ranking की बात करें तो ये approved है MCI यानी कि Medical Council of India से and it ranked 18 by NIRF in 2021. Now moving on to courses and fee structure और मैं आपको इसके seat metrics के बारे में भी बताऊंगी. तो basically stream wise जो है seat जो है वो differ करती है. जो सीट्स रहती हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं होती है हर स्ट्रीम्स में, अलग अलग स्ट्रीम्स की अलग अलग सीट्स होंगी. तो अगर हम बात करें एमडी की तो ये एमडी ऑफर करता है पैथोलॉजी में, देन कम्युनिटी मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, एनेस्थीसियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन और कंप्लीट लिस्ट जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. एमएस की बात करें तो ये एमएस ऑफर करता है एनेटॉमी, ऑप्थल्मोलॉजी, ईएनटी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स में. अब हम बात करते हैं सीट स्ट्रक्चर की. तो सीट इनटेक जो है पैथोलॉजी का वो है 21 एनुअली, देन कम्युनिटी मेडिसिन का है 9, रेडियोकोलॉजी का है 21, देन एनेस्थियोलॉजी का है 65, फिजियोलॉजी का है 7, फार्माकोलॉजी का है 5, देन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन का है 6, देन रेडियोथेरेपी का है 6, डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेपर्सी का 5 है, माइक्रोबायोलॉजी का 10 है, पीडियाट्रिक्स का 26 है, बायोकेमिस्ट्री का 6 है, फॉरेंसिक मेडिसिन का 5 है, जनरल मेडिसिन का 26 है, साइकाइट्री का 5 है, स्पोर्ट्स मेडिसिन का 5 है. अगर एमएस के सीट इनटेक की बात करें तो उसका है सीट इनटेक 6, एनाटॉमी का, ऑप्थल्मोलॉजी का 7 है, ईएनटी का 8 है और कंप्लीट लिस्ट जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एमडी और एमएस के सीट इनटेक की और आप पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको जिस स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है उसमें कितना सीट इनटेक है. फीस की बात करें तो इसकी फीस जो है वो 82,500 रुपीज है टोटल फीस. अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में. तो 2021 का कट ऑफ तो नहीं मिल पाया बट 2020 का कट ऑफ जरूर मैं बता सकती हूँ आपको जनरल कैटेगरी के लिए. तो अगर हम स्पेशलाइजेशन वाइज कट ऑफ देखें तो ऑर्थोपेडिक्स के लिए जो कट ऑफ रैंक थी वो थी 422, देन जनरल सर्जरी के लिए 225, ऑप्थल्मोलॉजी के लिए 1812 यानी कि 1812, ईएनटी के लिए 2347, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के लिए 917, देन अगर हम बात करें जनरल मेडिसिन के लिए तो उसकी थी 80, डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेपोसी की 50, रेडियो डायग्नोसिस की 40, स्पोर्ट्स मेडिसिन की 3990 और कंप्लीट लिस्ट जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और पूरे कट ऑफ रीड कर सकते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन से कितना कट ऑफ गया था. दो कट ऑफ सेम नहीं होता है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिफर करता है हर साल. बट अगर आपको लास्ट टू लास्ट ईयर यानी कि लास्ट 2-3 साल के कट ऑफ पता हो तो आपको एक रफ आइडिया मिल सकता है कि क्या चांसेस है आपको उस कॉलेज में जाने की यानी कि उस कॉलेज में सिलेक्शन होने की और आपकी मनपसंद ब्रांच मिलने की. तो आज मैंने आपको इस वीडियो में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली के एमएस और एमडी प्रोग्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है. वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूंगी तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.